एक समय गिरजा सहित शिव शंकर भगवान मृत्यु लोक में आ गए, सुनो लगा कर जान। पंचन की ठाई निरखे शिव जी जोड़े हाथ, पार्वती थे बालगी मार संख्या हो गई ना। प्रिय सज्जनों, आपके सामने शिव पार्वती संवाद तथा जाट जाटनी परीक्षा के बारे में कीर्तन सुना जा रहा है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। सुन मारी त्रपुरारी, अरे हाथ जोड़ कर पूछ रही है तुमसे तेरी घरवारी। मर मन में संख्या बारी, कैसे जोड़े हाथ पिया या से मेरो बिजोगिया। सुनकर बात भवानी की सोची राये गंगा धारी। सुन मारे घबराए, हाथ जोड़ कर पूछ रही है तुमसे तेरी घरवारी। मारा मन में संख्या भारी, हाँ कैसे जोड़ो हाथ पिया या से मेरो बिजोगिया। सुन कर बात भवानी की सोच रहे गंगाधारे। अरे सुन मारे घबरारे, हाथ जोड़ कर पूछ रही है तुमसे तेरी घरवारी। मारा मन में संख्या भारी, कैसे जोड़े हाथ पिया या से मेरो बिजोगिया। सुन कर बात भवानी की सोते रहे गंगाधारे। सुन मारे सपुरारे, हाथ जोड़ कर पूछ रही है तुमसे तेरी घरवारी। सुन कर बात भवानी की सोते रहे गंगाधारे। प्रिय सजनों, एक समय गिरजा के सहित शिव शंकर भगवान मृत्यु लोक में आए और एक गांव में जाकर उन्होंने पंचों की अथाई के ढोक दिए, मतलब हाथ जोड़े। तो पार्वती जी कह रही है कि हे भगवान, ये बताओ आपने ये किसके हाथ जोड़े हैं, इस बारे में मुझे बड़ा संदेश है। अरे शिव जी बोले पता सुनाई प्यारी, या पंचन की थाई या मैं संख्या तारे थाई नारी, सुनो लगा कर जान। बोले कथा सुनाई प्यारी, या पंचन की थाई या मैं संख्या तारे थाई नारी, सुनो लगा कर जान। शिव जी बोले कथा सुनाई प्यारी, या पंचन की थाई या मैं संख्या तारे थाई नारी, सुनो लगा कर जान। शिव जी बोले कथा सुनाई प्यारी, या पंचन की थाई या मैं संख्या तारे थाई नारी, सुनो लगा कर जान। जप होए धर्म को न्यावी कष्ट होवे सारो भाव, मैं हूँ भगतन के आधीनक मानो पंचन को भगवान। आप होए न्यावी कष्ट होवे सारो भाव, मैं हूँ भगतन के आधीनक मानो पंचन को भगवान। जप होए धर्म को न्यावी कष्ट होवे सारो भाव, मैं आदि न मानो पंचन को भगवान। या पे होए धर्म को न्यावी कष्ट होवे सारा गाँव, मैं भगतन
लगे आदिनक मानो पंचन को भगवान। भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, तुमको इस बात में क्या शंका है? देखो ये जो मैंने हाथ जोड़े हैं उसको कहते हैं पंचों की अथाई, और पंच जो होते हैं मैं उनको भगवान के समान मानता हूँ। तेरे आप होवे जाव धर्म को जुड़ रे भवानी, पार्वती ने शिव की माजी के पैमानी, माजी के पैमानी। आप होवे जाव धर्म को जुड़ रे भवानी, पार्वती ने शिव की माजी के पैमानी, माजी के पैमानी। आता भगवान शंकर कहने लगे कि हे भवानी, इस पर धर्म रूप न्याय पंच बैठ कर करते हैं, इसलिए मैं भगवान के समान को मानता हूँ। पार्वती कह रहे कि हे नाथ, आप ये बताओ कि क्या आपसे भी पंच बढ़कर है? शंकर भगवान कहने लगे कि हाँ। तेरे आप होवे जाव धर्म को जुड़ रे भवानी, पार्वती ने शिव की माजी एक मानी, माजी एक मानी। ओ आप होवे जाव धर्म को जुड़ रे भवानी, पार्वती ने शिव की माजी एक मानी। स्वामी तुम देवी नर जीव पंच काई पूजा है, स्वामी तुम देवी नर जीव पंच काई पूजा है। जीव समझ गए या पारे बाजी है, बात समझ नहीं आ रही है। समझ गए या पारे बाजी है, बात समझ नहीं लगे कि हे महाराज, ये आप झूठ बोल रहे हो, मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि पंच आपसे भी बड़े हैं। शंकर भगवान सोचने लगे कि ये पार्वती की संख्या नहीं मिटने वाली है, और इसके ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। कोई छल बल करे के पार्वती या क्या चाहिए, कोई छल बल करे के पार्वती या क्या चाहिए, कोई छल बल करे के पार्वती या क्या चाहिए, कोई छल बल करे के पार्वती
सुबानपुरी में जाटनी एक थी पति वरता नारी और पति बनू या को असल तो शिव ने कियो विचार। अरे शिव जी ने कीनो कमाले बिछायो के तो डाले, शिव जी ने कीनो कमाल बिछायो के तो जाल। बाबा सुनी जो सुनाऊ पूरा हाल, तुझे गंगा जारी जाको पति बया जो पार पड़े या पान को सवाल जीना सवाल बिताया के तो ताल। बाबा सुनी जो सुनाओ पूरा हाल, सुने गंगा धारी जैसे पीजा कड़ी नारी जाको पति बया से पार पड़े या पान को सवाल। शिव जी ने जीना पमाल बिताया के तो जाल। बाबा सुन जो सुनाओ पूरा हाल, सुने गंगा धारी ने सखी दाटनी नारी जाको पति बना से पार पड़े या पान को सवाल। बाबा सुनी जो सुनाओ पूरा हाल, सुने गंगा धारी ने सती साकनी मारी जाको पति बना से पार पड़े या पान को सवाल। तेरे भाई घर के नजदीक आ गयो औलो तोल के करी नो पर जाट मटो माई गुतरी नो। भाई घर के नजदीक आ गया औलो तोल के करी नो पर जाट मटो माई गुतरी नो। अरे भाई घर के नजदीक आ गयो औलो तोल के करी नो पर जाट मटो माई गुतरी नो। भाई घर के नजदीक आ गया औलो तोल के करी नो पर जाट मटो माई गुतरी नो। डोटो हो जा जाट जरा सो काम सिद्ध हो बेसारो मैं मतलब बना ले मारो। डोटो हो जा जाट जरा सो काम सिद्ध हो बेसारो मैं मतलब बना ले मारो। डोटो हो जा जाट जरा सो काम सिद्ध हो जा सारो मैं मतलब बना ले मारो। डोटो हो जा जाट जरा सो काम सिद्ध हो बेसारो मैं मतलब बना ले मारो। प्रिय सजनों, शंकर भगवान ने मन में विचार किया कि पार्वती इस प्रकार से समझने वाले नहीं है, तो उसी नगरी में एक बहुत पतिव्रता एक जाटनी रहती थी। तो शंकर भगवान ने विचार किया कि इस जाटनी का पति बनकर चलूं और पार्वती को इस परीक्षा को दिखलाऊं। लेकिन अब वहां से शंकर भगवान चल दिए हैं, अब वहां देख रहे हैं कि जाट जो उसका था जाटने का वो घर पे ही था। शंकर भगवान सोच रहे हैं कि ये जाट अगर थोड़ा सा कहीं चले जाए तो मैं इसकी परीक्षा कर लूं। अरे डोटो हो जा जाट जरा सो काम सिद्ध हो जारो मैं मतलब बना ले मारो। डोटो हो जा जाट जरा सो काम सिद्ध हो जारो मैं मतलब बना ले मारो। अरे एक देखो अब हो गए तो कल को उठ कर जाट भारी अमर को बोलो सुनो जाटड़ी भार जरा सो बजाओ। अरे तू रोटी कर ले मैं हुक्को पानी पिया हरेक तू रोटी कर ले मैं हुक्को पानी पियाओ। हरेक देखो अब हो गए को कल को उठ कर जाट भारिया भर को बोलो सुनो जाटड़ी भार जरा तो हरेक तू रोटी कर ले मैं हुक्को पानी पियाऊं। हरेक तू रोटी कर ले मैं हुक्को पानी।
पानी पिया हूँ। अरे तुझे को अब हो गए गोकल उठ कर पर वो बोलो सुनो जागरी बार जरा सो जाओ। अरे कि तू रोटी कर ले मैं पानी पिया हूँ, तू रोटी कर ले माता। इधर क्या होता है कि भगवान की कृपा पशु शंकर भगवान ने भी उसकी मति को भंग की दासी को और दास कहने लगा कि हे प्यारी ऐसे करे मैं कई पांच आदमी में जाकर उसका तमाम पियाता हूँ। दास ने कहा और तू जब तक भोजन बना ले। अरे तुझे को अब खूबे को कल को उठ कर जाट बारिया बल को बोलो सुनो जातरी बार जरा सो बैठाओ। अरे तू रोटी कर ले मैं भूखो पानी पिया हूँ, अरे तू रोटी कर ले मैं भूखो पानी पिया हूँ। अब कथा सुनाऊ सारी शिव जी कल को कर बैठो धरो जाट को रूप सोई घर में जाट बबर बैठो रोटी बोले हुई के प्यारी पूछ रहो ऐठो ऐठो जल तोड़ जाटनी आई भोजन की थाली लाई जो जी मोदी भर तार जाटनी आतन रही जिमाही जो जी मोदी भर तार जाटनी आतन रही जिमाही। अरे अरे अब लो कथा सुनाऊ सारी शिव जी कल को कर बैठो धरो जाट को रूप जोई घर में जट बबर बैठो रोटी बोले हुई के प्यारी पूछ रहो ऐठो ऐठो जट जोड़ जाटनी आई भोजन की थाली लाई लो जी मोदी भरतार जाटनी हाथन रही माही लो जी मोदी भरतार जाटनी हाथन रही सुनो। अब क्या होता है कि उधर जो जाट था वो तो कहीं गांव में तमोक पीने के लिए चले जाता है और शंकर भगवान ने क्या किया कि उस जाट के घर जाकर और उसी जाट का साक्षात उसी जाट का रूप धर कर और चले गए हैं। और अब जाट जी से कह रहे हैं कि हे प्यारी ये बात बताओ कि अभी अपने रोटी भोजन नहीं किया गया तैयार। अब लो कथा सुनाऊ सारी शिव जी कल को कर बैठो धरो जाट को रूप जोई घर में जट बबर बैठो रोटी बोले मुझी के प्यारी पूछ रहो ऐठो ऐठो थोड़ी जाटनी आई भोजन की तारी लाई लो जी मोदी भरतार जाटनी आतन रही जिमाही लो जी मोदी भरतार जाटनी आतन रही जिमाही। अरे भोजन की बड़े तपुरारी रे हवा जाटनी कर रही है असल बायो भर तार जाटनी को एक रूप दोनों को पसर नहीं है वो चले चीन रहे सपरारी रे हवा जाटनी कर रही है असल बायो भर तार जाटनी को एक रूप दोनों को पसर नहीं है। अरे असल बनो भर तार जाटनी को एक रूप दोनों को पसर नहीं है। अरे भोजन जी लगे सपुरारी रे हमारे जाटनी कर रही है बनो भर तार जाटनी को एक रूप दोनों को पसर नहीं है। हाँ,
बहनों, शंकर भगवान ने जब जाट का रूप बनाया और जाकर कहा कि हे प्रिय, मुझे भूख लग रही है, अभी भोजन तैयार नहीं हुए के, तो जाट ने, बड़ी पतिव्रता थी, जाट ने कही महाराज भोजन बिल्कुल तैयार है, लो इधर। अब जाट ने क्या कि भोजन की थाली परोसती है और शंकर भगवान जाट के रूप में भोजन कर रहे हैं और भोजन से निवृत्त होकर फिर क्या हो रहा है। अरे मन में पसंद उठ रही उमंग, पिच रायो पिलांग हंस रही है, दादा तकिया मख मलता अब सेवा पति की कर रही है। अब सेवा पति की कर रही है। अरे मन में प्रसन्न उठ रही उमंग, पिच रायो पिलांग हंस रही है, मख मलता अब सेवा पति की कर रही भगवान ने भोजन कर लिए तो जाट ने बड़ी पतिव्रता थी, जाट ने आराम से उनके लिए पलंग बिछा दिया और गद्दा तके लगा दिए और कहा कि पतिदेव आराम करो। अब शंकर भगवान आराम कर रहे हैं और जाट ने उसकी सेवा कर रही है, कह रही है कि महाराज आपके लिए ठंडा ठंडा नीर पिलाऊं। अरे कछु दुख दुख धीरे बतलाया, धीरे धीरे कछु दुख सुख के बतलाया, धीरे धीरे कछु दुख सुख की बतलाया, धीरे धीरे कछु दुख सुख के बतलाया, धीरे 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 दाबू पैया, धीरे धीरे दाबू पैया, धीरे धीरे दाबू पैया, धीरे धीरे दाबू पैया, अरे कछु दुख सुख की बतलाया, धीरे धीरे दाबू पैया, कछु दुख सुख की बतलाया, धीरे धीरे दाबू पैया। शंकर अविनाशी घट घट के, शंकर अविनाशी घट घट के, शंकर अविनाशी घट घट के, शंकर अविनाशी
धीरे धीरे दाबू मैया, कछु दुख दुख
देवत राजा धीर धीर आज जब तक वहां पर आ गयो तो भाई वहां पर असली जाट। प्रिय सज्जनों, क्या होता है कि भगवान शंकर साक्षात जाट का रूप धारण करके और वहां पर आराम कर रहे हैं, और जिसके बाद में क्या होता है कि जाटली का पति असली जो था जाट वो आ जाता है। जब तक तो एक रूप दोनों ने को आदि एक रूप दोनों ने को कसर जरा भी नाए। अब देख डरप गई जाटनी तो रो भागी चिल्लाए। सजनों, क्या होता है कि अब जाटनी देखती है तो दोनों जाटों का एक ही रूप, कोई भी फर्क नहीं। इसको देखकर जाटनी ने सोचा, अरे भगवान ये क्या हो रहा है, ये तो दोनों ही मेरे पति है और एक में भी कोई भी फर्क नहीं है। तो जाटनी क्या कह रही है, अरे कि अब लोकेश हो गयो तगड़ो या काय पड़ो गाँव में रगड़ो हो रहे तो जाटन में झगड़ो पमती कोई नहीं है। अरे कया को पंच फैसलो करो जाटनी रो रही है। अरे कया को पंच फैसलो करो जाटनी रो रही है। अरे अब लोकेश हो गया तगड़ो या काय पड़ो गाँव में रगड़ो हो रहे तो
चरण में पड़ रही है। अरे पिया को पंच पे चलो करो जाटनी रो रही है। अरे पिया को पंच पे चलो करो जाटनी रो रही है। अब जो केस हो गया तगड़ो या कई पड़ो काम में रगड़ो घोड़ दो जाटन में झगड़ो कम थी कोई नहीं है। पिया को पंच पे चलो करो जाटनी रो रही है। अरे पिया को पंच पे चलो करो जाटनी रो रही है। सजनों क्या होता है जब दोनों जाटों की एक शक्ल देखी तो जाट ने घबरा कर और भग गई और गांव में जाकर पंच पटेलों से कहने लगी कि हे पटेलो पंतो तुम ये तो देखो ये क्या खेल है। जब मेरे दो पति हैं और दोनों एक हैं इसलिए इसका आप फैसला करो। पंच सोच रहे हैं कि हे भगवान इनका फैसला कैसे हो सकता है इनमें रति भी कभी नहीं है ये दोनों इकसार हैं। अरे उल्टा पांच पयादा कर मैं पूती का मन दे रही है। अब कैसे करे हो राम बस नहीं है। उल्टा पांच पराता कर मेरे पूती का मन दे रही है। बंदा पड़ो जाटनी पे अब कैसे करे हो राम बस नहीं है। अरे उल्टा पांच पराता कर मैं पूती का मन दे रही है। अब कैसे करे हो राम बस नहीं है। आज क्या होता है कि पंच सोच रहे हैं कि भगवान इनका फैसला किस प्रकार से हो सकता है। इस खेल को देखकर पंच घबरा गए और पंच उल्टे चक्कर में पड़ गए कि हे भगवान इनका तो किसी प्रकार से हम पर फैसला नहीं होता है। अरे उल्टा पांच पराता कर मैं बुद्धि का मन दे रही है। अब कैसे करे हो राम बस नहीं है। अब कैसे करे हो राम बस नहीं है। तो फैसलो ना भयो अजी तो कछु फैसलो ना भयो और अब बीते दिन दो चारी और भारी रुदन मचावती तो बासतिर जाटनी नारे। इस प्रकार से पंचों ने काफी कोशिश की लेकिन कोई भी फैसला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि उन दोनों जाटों की एक ही शक्ल थी। भगवान शंकर तो लीलाधारी है जैसा उस जाट का रूप था वैसा ही बराबर अपना रूप बना लिया। पंच घबरा गए लेकिन अब क्या हो रहा है कि पंच कह रहे हैं क्या कह रहे हैं अरे कि कोई के ठाडा जल में कर ज्योति तो गंगा जी का घर इनका सही मचल का भर जो मन में पछतावे। अरे फैसलो नहीं होगा मैं आवे दुनिया पछतावे। अरे फैसलो नहीं होगा मैं आवे दुनिया पछतावे। कोई के ठाडा जल में कर ज्योति तो गंगा जी को धर जो इनका सही मचल का भर जो मन में पछतावे। अरे फैसलो नहीं होगा मैं आवे दुनिया पछतावे। अरे कि कोई कह
ठाडा जल में कर ज्योति को गंगा जी का दर जो जिनका सही बचाय का भर जो मन में पछतावे अरे फैसलो नहीं हो पावे आवे दुनिया बतलावे अरे फैसलो नहीं हो पावे आवे दुनिया बतलावे कोई कह ठाडा जल में कर ज्योति तो गंगा जी को दर जो जिनका सही बचाय का भर जो मन में पछतावे अरे फैसलो नहीं हो पावे आवे दुनिया बतलावे फैसलो नहीं हो पावे आवे दुनिया बतलावे। हां साहब, गांव के पंच पटेल सोच रहे हैं और आपस में कह रहे हैं कि भाइयों और इस फैसले का कोई भी इलाज नहीं है। साधारण इलाज यही है कि पंचों में से सभी प्रकार के पंच होते हैं। कोई पंच तो कहता है कि इनको गंगा जी में जाकर छाड़ा कर दो और कोई कहता है कि इनकी माथा पे गंगा जी धर दो और किसी प्रकार का फैसला नहीं होता है। अरे कोई कह ठाडा जल में कर ज्योति को गंगा जी को धर जो जिनका सही मतर का भर जो मन में पछतावे अरे फैसलो नहीं हो पावे आवे दुनिया बतलावे अरे फैसलो नहीं हो पावे आवे दुनिया बतलावे। अरे पूरो घड़ो एक मंगवायो ताई पे धरवायो है पूरो घड़ो एक मंगवायो ताई पे धरवायो है ओए पूरो घड़ो एक मंगवायो ताई पे धरवायो है पूरो घड़ो एक मंगवायो ताई पे धरवायो अरे पूरो घड़ो एक मंगवायो ताई पे धरवायो है दोनों जाट बराबर बैठे वचन वचन सुनायो है दोनों जाट बराबर बैठी वचन सुनायो है पूरो घड़ो एक मंगवायो ताई पे धरवायो है दोनों जाट बराबर बैठी वचन वचन सुनायो है दोनों जाट बराबर बैठी वचन वचन सुनायो है। हर देर देर में पंच कहे दोनों जाटन को समझावे सात बार जो उसे घड़ा में वही जाटनी ले जावे पुरसो असली पुरसो नकली ठीक बाल भाई पड़तावे बतलावे पछतावे यो सोचे असली जाट मेरी तो एक पेस नहीं खावे यो सोचे असली जाट मेरी तो एक पेस नहीं खावे यो सोचे असली जाट मेरी तो एक पेस नहीं खावे। देर देर में पंत कहे दोनों जाटन को समझावे सात बार जो गुस्से घड़ा में वही जाटनी ले जावे पुरसो असली पुरसो नकली ठीक बाल भाई पड़ जावे बतलावे पछतावे यो सोते असली जाट मेरी तो एक पीस नहीं खावे यो सोते असली जाट मेरी तो एक पीस नहीं खावे। हाँ साहब, क्या होता है कि किसी प्रकार का फैसला नहीं हुआ। किसी एक पंच ने कहा कि भाइयों मेरे एक बात समझ आती है, वो क्या कि कुम्हार के यहां से एक नया घड़ा मंगवाओ और घड़ा को इस ठाई पर रखवा दो। घड़ा मंगवाया तुरंत ही और घड़ा मंगवा कर और ठाई पर रखवा दिया और अब पंच कहने लगे कि भाई दोनों जाटन को बुलवा कर कि भाई जाटो हमारी ये शर्त है कि जो कोई भी जाट इस घड़े में सात बार घुस जाएगा निकल निकल के उसी की जाटनी है भाई। तेरे देर देर में पंत कहे दोनों जाटन को समझावे सात बार जो कुसे घड़ा में वही जाटनी ले जावे कुर्सो असली कुर्सो नकली ठीक बाल भाई पड़ जावे बतलावे पछतावे यो सोचे असली जाट मेरी तो एक पीस नहीं खावे यो सोचे असली जाट मेरी तो एक पीस नहीं खावे यो सोचे असली जाट मेरी तो एक पीस नहीं खावे। पंत कहने लगे कि भाई जाटो जो दोनों में से कोई भी इस घड़े में सात सात बार निकल कर घुसकर निकलाएगा उसी की जाटनी है और जो निकलाएगा वो तो असली है
और अगर नहीं निकलेगा वो नकली है। असली जो बिचारी जाटनी का जाट था वो सोचने लगा कि बस फूट गया करम भगवान, मुझ पर तो एक दफा भी इसमें नहीं घुसा जाएगा। अरे कैलासी ने यो कही सुना पंतो में विनती समझाऊं, कैलासी ने यो कही सुना पंतो में विनती समझाऊं, कैलासी ने यो कही सुना पंतो में तुम्हें सात बार की कहो खरा में किस बार मैं घुस जाऊं, तुम्हें सात बार की कहो खरा में किस बार मैं घुस जाऊं, तुम्हें सात बार की कहो खरा में किस बार मैं घुस जाऊं, तुम्हें सात बार की कहो खरा में किस बार मैं घुस जाऊं। ये सवालों को देखकर जाट बेचारा असली था वो तो घबरा गया और शंकर भगवान कहने लगे कि हे पंतो मैं आपसे एक अर्थ करता हूँ। पंतो ने कहा कि भाई कहो जाट क्या अर्थ है कि महाराज तुम तो इस घड़े में सात बार ही घुसने की कह रहे हो, लेकिन महाराज मैं तो असली हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आप कहो तो सात बार की क्या चला है, मैं 20 बार घुस जाऊँ। अरे सुख को सात बार कैलाती आ रही है पंचन को हंसी, सात बार कैलाती आ रही है पंचन को हंसी, उसको सात बार कैलाती आ रही है पंचन को हंसी, उसको सात बार कैलाती आ रही है पंचन को हंसी, मुझे जो सदा डराती जबस में आवे, अरे फैसलो नहीं होवा में आवे दुनिया बतलावे, अरे फैसलो नहीं होवा में आवे दुनिया कोई कैठाटा जल में कर दो जी तो गंगा जी को धर दो, जिनका सही मतर का मन में बनता है, अरे फैसला नहीं दूंगा मैं आवे दुनिया बदलावे, अरे फैसला नहीं दूंगा मैं आवे दुनिया बदलावे। हाँ शंकर भगवान कहने लगे कि हे पंचो तुम सात ही सात बार की क्या कहो, मैं 20 बार घुस जाऊं। पंतो ने कहा कि भैया 20 बार भी नहीं, अगर तू 7 बार भी घुस गया तो डांटने तेरी है। इतनी बात सुनकर शंकर भगवान तो अंतर्यामी थे, 7 बार घुस घुस कर 6 बार निकलाए, और जब 7 बार निकलने लगा फौरन पंचो ने उस घड़े को ढक दिया पाली। अरे याद असली जाट बिचारो या कुटाटनी समझावो, या भूत बनाए प्रीत कोई खाता में काजावो, या असली जाट बिचारो या कुटाटनी समझावो, या भूत बनाए प्रीत कोई खाता में काजावो। हाँ सगरो क्या होता है कि जब शंकर भगवान को घड़े में ढक दिया और फिर पंचों को एकदम हंसी आई कि भाइयों ये जो घड़ा में घुसा हुआ है जाट ये कोई भूत बला है, क्यों कि अपन सोचते हैं कि घड़े में साधारण मनुष्य तो आ ही नहीं सकता, वो किस प्रकार से घुस सकता है, ये जो घुसा हुआ है ये कोई माया है और ये भूत प्रीत है, इसको ऐसे करो घड़े सहित ले जाकर कहीं खड्डा खोद कर गा जाओ। जागे असली जाट बिचारो या कुटाटनी समझावो, जागे भूत बनाए प्रीत कोई खाता में काजावो, जागे असली जाट बिचारो या कुटाटनी समझावो, जागे भूत बनाए कोई में अरे घड़ो उठाए पाते
जाने को पार्वती बोली पिले खाई पांच साल दी पंत कहने लगे कि ये जो घड़ा है और इसमें जाट घुसा है ये तो माया है और ये बेचारा जो नहीं घुसा है वो असली है, इसको तो जाटने को संभला दीजिए और इसको घड़ा सही फेंक आ जाओ खड्डा खोद के। पंत उस घड़े को उठाकर ले गए और जब खड्डा खोद कर गाड़ने लगे जब पार्वती घबरा कर क्या कह रही है, अरे हो पंच फैसलो सारो या अब नासी पति हमारो हो पंच फैसलो सारो या अब नासी पति हमारो हो पंच फैसलो सारो या अब नासी पति हमारो हो पंच फैसलो सारो या अब नासी पति हमारो शिव ने रूप आपको धारो मन में मुस्कावे अरे फैसलो नहीं हो आवे दुनिया पतला में अरे फैसलो नहीं होगा मैं आवे दुनिया पतला में कोई कह डाटा जल में कर दो जी तो गंगा जी का धर दो जीता सही मजर का बल जो मन में पलता में अरे फैसलो नहीं होगा मैं आवे दुनिया पतला में फैसलो नहीं होगा मैं आवे दुनिया पतला में अरे शिव जी की माया जारी रे आपको कोई ने पारे नहीं पायो शिव जी की माया जारी रे आपको कोई ने पारे नहीं पायो प्रिय सदनो अब क्या होता है कि जब घड़े को गाड़ने लगे तो पार्वती बोली पंतों से हे महाराज रुको जरा भाई क्या बात है कि महाराज ये केवल पंचों की परीक्षा थी और ये मैंने ही करवाई है इसलिए ये मेरा ही पति है। इतनी बात सुनकर शंकर भगवान दयालु ने विचार किया कि ऐसे पंचों को दर्शन भी देना जरूरी है इसलिए अपना रूप दिखाया। अरे शिव जी की माया जारी रे आपको कोई ने पार नहीं पायोगे शिव जी की माया जारी रे आपको कोई ने पार नहीं पायोगे अरे लियो जात रूप भवानी को संगीत मिटायोगे अरे लियो जात सजनो देखो शंकर भगवान की तो ऐसी प्रबल माया है कि उसके पार को कौन पा सकता है। पार्वती ने केवल संख्या की इसलिए भगवान शंकर ने उसका संदेह को मिटा दिया और पंचों को अपना स्वरूप दिखलाया। अरे गवर जा बोली शंकर से तुम्हारी लीला न्यारी अर्घात जोड़ कर अर्ध करेगे पिया तुम्हारी नारी अर्धी सुन लो की भरतार तुम्हारी लीला अब बार बार नहीं पायो तेरे हो मन में संदेश कमारे चाकू आज मिटायो आजी हो नहीं पार तुम्हारो कोई पायो आजी हो नहीं पार तुम्हारो कोई पायो आजी हो नहीं पार तुम्हारो कोई पायो। अरे गवर जा बोली शंकर से तुम्हारी लीला न्यारी अर्घात जोड़ कर अर्ज करेंगे पिया तुम्हारी नारी अर्जी सुन लो जी भरतार तुम्हारी लीला अपर पार पार नहीं पायो हो मन में संदेश तुम्हारे चाकू आज मिटायो आजी हो नहीं पार तुम्हारो कोई पायो आजी हो नहीं पार तुम्हारो कोई पायो आजी हो पार्वती शंकर भगवान से कहने लगी कि हे महाराज
आपकी लीला बहुत अजब निराली है। क्या कि मेरे मन में ये संदेह था कि भगवान ये झूठ बोल रहे हैं कि पंच क्या भगवान से ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन नहीं महाराज, मैंने भी आज पंचों को देख लिया है। वास्तव में ही पंच धर्म के न्याय जो करते हैं वो परमेश्वर के समान होते हैं। अरे हाथी जोड़ी कह रही कवाली जा, अरे जीरा दा कर तूने जो जाने, मैंने दी भगवान दुआर, तू पंचन पूरी माने भगवान। अरे हाथी जोड़ कह रही कवाली जा, अर्जी सुनो लगा कर जाने, मैंने भी भगवान आज से बचन को माने भगवान। हाथ जोड़ के रही गवर जा, अजी सुनो लगा कर जाने, मैंने भी भगवान आज से बचन को माने भगवान। अरे गवर जा बोली शंकर से तुम्हारी लीला न्यारी, हाथ जोड़ कर अर्ज करेंगे किया तुम्हारी नारी, अर्जी सुन लो जी भरतार तुम्हारी लीला परंपार, पार नहीं पायो हो मन में संदेश कमारे जाको आज मिटायो, आजी हो नहीं पार तुम्हारो कोई पायो, आजी हो नहीं पार तुम्हारो कोई पायो, आजी हो अरे हाथी जोड़ कह रही कवाली जा, अर्जी सुनो लगा कर जाने, मैंने भी भगवान आज से बचन को माने भगवान। हाथी जोड़ कह रही कवाली जा, अर्जी सुनो लगा कर जाने, प्रिय सज्जनों, पार्वती जी कह रही है कि हे महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्जी कर रही हूँ कि ये मुझे मेरे मन में संदेह था, लेकिन आपने मेरा संदेह मिटा दिया और मैंने भी आज से पंचन को वास्तव में परमेश्वर के समान मान लिए। अरे धन्य भागे उन पंचन के जो हर दर्शन दे पायो गे, जतू लोक दे हुए रवाना से लगन में आजी गे, जतू लोक दे हुए रवाना से लगन में आई गे, जतू लोक दे हुए रवाना से लगन में आई गे। अरे धन्य भागे उन पंचन के जो दर्श तुम्हारे पाए हैं, तू लोग से मुझे रवाना से लगन में आए हैं। हाँ धन्य भागे उन पंचन को जो दर्श तुम्हारे पाए हैं, प्रिय सज्जनों, ये सुंदर सुंदर कथाएं और सुंदर सुंदर भजनों की कैसेट यू की कैसेट कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। असली कैसेट मिलने का एकमात्र स्थान यू की कैसेट कंपनी दिल्ली। अरे धन्य भागे उन पंचन के जो दर्श तुम्हारे पाए हैं, नतु लोक से हुए रवाना से लगन